एवरीवन नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं आर कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के माध्यम से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए आवेदन प्रारंभ हो चुका है और आप सभी लोग जो इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या पहले से आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको परीक्षा में सफलता नहीं मिली है, तो ऐसे में आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। दोस्तों, न्यूनतम फीस में संस्थान के माध्यम से निश्चित सफलता हेतु आरओ एआरओ का बैच प्रारंभ है। यदि आप इस बैच से जुड़ने के इच्छुक हो तो निसंदेह आप हमें दिए गए इस नंबर पर एंट्री आरओ एआरओ लिख करके संदेश भेज सकते हैं और आपको एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में बहुत आसानी से सरलता से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आपको पता है कि आरओ एआरओ जो लेवल होता है, वो लेवल मैंने आपसे पहले भी कह दिया है, जो लेवल होता है पीसीएस थोड़ा सा ऊपर होता है, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन बनते हैं ये क्वेश्चन वन लाइनर नहीं बल्कि कथन और कारक की तरह बनते हैं, तो हमें जीएस पर विशेष ध्यान देना होगा। आपको पता है कि जो जीएस होता है लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए, जीएस में कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन आते हैं और इस 120 क्वेश्चन में जितना इतिहास, भूगोल या फिर संविधान, पर्यावरण, करंट अफेयर, इन सब का रोल होता है, लेकिन सामान्य विज्ञान का सबसे अहम रोल होता है जनरल स्टडी के लिए। बता दूं आप सभी को, 120 में से दोस्तों लगभग 15 से 20 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान विषय से आते हैं निसंदेह। कितना? लगभग 15 से 20 क्वेश्चन। आपको पता है कि एक एक प्रश्न की क्या वैल्यू होती है परीक्षा में, इसलिए आप विज्ञान विषय को यहां अवॉइड नहीं कर सकते, बल्कि आपको अच्छी मार्जिन के लिए बेहतरीन तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। और आपको यहां संस्थान में ऐसा पढ़ाया जाएगा कि विज्ञान विषय में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, दोस्तों पीसीएस की परीक्षा बता दूं आप सभी को, जितना पढ़ाया गया था लगभग 95% क्वेश्चन पढ़ाए हुए नोट्स और क्लास से आए हुए थे। इसलिए मैं फिर से कह सकता हूं कि अगर 15 से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं तो निसंदेह आप जितना पढ़ोगे उससे ऊपर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और विशेष बात दोस्तों आपके लिए है कि आप कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये लगातार फोन करके प्रयास कर रहे हैं कि सर एडमिशन की डेट जो है बढ़ाई जाए, क्योंकि एडमिशन की प्रक्रिया बंद हो चुकी है। दोस्तों ऐसे में यहां बता दूं मैं आप सभी को कि 20 अप्रैल तक एडमिशन की का प्रोसेस ओपन रहेगा आप सभी के लिए। तो जिसको भी एडमिशन लेना है, निसंदेह न्यूनतम इसमें कुशल मार्गदर्शन में निश्चित सफलता के लिए आपको दोस्तों इस नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा और व्हाट्सअप करने के बाद आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आज हम किसके विषय में बात करेंगे? देखिए, आज हम सामान्य विज्ञान विषय का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने चल रहे हैं। दोस्तों जल, कहने को तो हम कहते हैं पानी है, पानी ही तो है, 71% पानी है तो क्या है, लेकिन दोस्तों हम कहने को यह भी कहते हैं कि जल जीवन है, यानी जल ही क्या है, जीवन है। अगर हम देखें तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जल ही जीवन है, फिर भी हम जल को बचाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करते। हमें यह पता है कि प्रकृति के माध्यम से प्राप्त हुआ एक बहुमूल्य तोहफा जिस पर सबका अधिकार है, दोस्तों उसका नाम क्या है, जल। जल हम केवल पीने में ही नहीं बल्कि कपड़े धुलने में, साफ सफाई में, भोजन करने में, सिंचाई में, कारखानों में, बिजली के उत्पादन में, पेड़ पौधों के लिए, पशुओं को पिलाने में, बहुत जगह पर हम जल का उपयोग करते हैं दोस्तों, इसलिए जल को हम जीवन कहते हैं। लेकिन वर्तमान की भौतिकवादी व्यवस्था के कारण, हम अपने ऐशो आराम के कारण, हमने जल को इतना दूषित कर दिया है कि वही जल जो हमारे लिए जीवन था, वर्तमान समय में हमारे लिए जहर बनता जा रहा है। दोस्तों आपको पता है 71% जल होने के बाद भी धरती पर पीने वाले पानी का संकट है, ऐसा क्यों है? तो आज हम इसी विषय पर डिस्कस करेंगे आप सभी से कि जल क्या है, कठोर जल क्या है, मृदु जल क्या होता है, जल को दूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, या जल कैसे दूषित होता है। यहां आपसे मैं आज डिस्कस करने वाला हूं टीडीएस के बारे में। दोस्तों आप जानते होंगे
टीडीएस क्या होता है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड। जो हम पीने वाला पानी आजकल देखिए आरओ वाले पानी को पीने की होड़ मची हुई है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि एक बोतल पानी बनाने के लिए 10 बोतल पानी हम वेस्ट करते हैं, तब जाकर के आरओ का एक बोतल पानी बनता है। अगर हम जल का संरक्षण करें, जल को बचाएं, जल को भंडारित करें, तो शायद जल का संकट कभी हमारे सामने नहीं आएगा। तो दोस्तों जल की बात कर रहे हैं, यहां देखिए सभी सजीव जितने भी जीवधारी हैं, सभी सजीव के शरीर में आधे से अधिक भाग क्या है, जल होता है। दोस्तों तो जल तो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, आज इसी बारे में बात करेंगे हम कि जल की उपयोगिता क्या है हमारे लिए। तो दोस्तों अगर हम जल की बात करें, जल का सामान्य परिचय पहले हम पढ़ेंगे कि जल दोस्तों क्या है, वाटर आखिर है क्या, जल हम कहते किसे हैं, जल यौगिक है कि तत्व है। बता दूं आप सभी को, शुरुआत में जब जल की बात हुई दोस्तों, तो शुरुआत में जल को क्या बोला गया, इसे एक तत्व कहा गया था, लेकिन धीरे धीरे जब वैज्ञानिकों ने जांच की तो उन्होंने पाया कि जल एक यौगिक नहीं, तत्व नहीं है, बल्कि क्या है, एक यौगिक है। तो आज हम इस विषय में आपसे पूरी बातचीत करने वाले हैं। आपने सुना होगा मिनी माता रोग, दोस्तों आपने सुना होगा इटाई रोग, या इससे संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जल हमारे लिए किस लिए महत्वपूर्ण है, हम सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जल क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हम कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम ये कहते हैं कि जल एक जल क्या दोस्तों, कि जल एक साधारण यौगिक है। जल क्या है दोस्तों, जल एक साधारण रासायनिक पदार्थ है, ये भी हम जल के बारे में बोल सकते हैं, रासायनिक पदार्थ है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जल से क्वेश्चन बनता है, जल प्रदूषण से क्वेश्चन बनता है, या जल को दूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या उपाय करते हैं, ओजोन गैस का प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे हम लोग अल्ट्रावायलेट किरणों की सहायता से जल को शुद्ध कर देते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जिस पर डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों जल के बारे में हम जानते हैं, जल के गुण क्या होते हैं, तो आप कहते हो कि जल जो होता है ना, जल कैसा होता है, जल दोस्तों क्या है, रंगहीन होता है, कोई रंग इसमें नहीं होता है, जल रंगहीन है, जल गंधहीन है, और दोस्तों जल क्या होता है, और दोस्तों क्या होता है, और स्वादहीन होता है। तो दोस्तों जल के बारे में हम कहते हैं, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, शुद्ध जल की बात कर रहे हैं। दोस्तों शुद्ध जल कैसा होता है, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जल ना तो लवणीय है ना तो क्षारीय। दोस्तों ये क्या होता है, जल उदासीन होता है। क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि जल उदासीन होता है, जल उदासीन होता है। ये तो कई जगह क्वेश्चन बना हुआ है कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान तो आप भली प्रकार जानते होंगे दोस्तों। पीएच मान हम किसको बोलते हैं, ये हम बोलते हैं पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सांद्रण जहां मापते हैं दोस्तों, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। दोस्तों जल के बारे में आपने जान लिया, अब यहां पर एक पॉइंट बनता है, अच्छा अगर हम जल के नामों पर आपसे बातचीत करें कि जल का नाम क्या, दोस्तों जल का साधारण नाम हम क्या ले सकते हैं, जल का साधारण नाम क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों बताऊंगा मैं आप सभी को कि जल को हम क्या कहते हैं भाई, जल तो कहते ही हैं दोस्तों, और क्या बोलते हैं, पानी कहते हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे इसको नीर कहा जाता है दोस्तों, क्या होता है, नीर, यानी इसको हम वाटर कहते हैं। लेकिन जो परीक्षा में क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वो ये बनता है कि इसका IUPAC नेम क्या है, इसका IUPAC नाम क्या दोस्तों, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जल का IUPAC नेम दोस्तों क्या होता है। तो आपने सुना होगा एक नाम जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेन। दोस्तों ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, हो सकता है आपको बुक्स में ना मिले, लेकिन दोस्तों बता दूं मैं आप सभी को कि IUPAC नाम क्या होता है जल का, वो नाम दोस्तों है ऑक्सीडेन। हो सकता है पहली बार आप दोस्तों सुन रहे होंगे। और जल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड कहते हैं दोस्तों। और इसका नाम क्या होता है दोस्तों, अगर हम बात करें अन्य नाम का,
तो जल के अन्य नाम क्या हो सकते हैं? तो जल के अन्य नाम की अगर हम बात करें दोस्तों, इसको हम कहते हैं डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। ये दोस्तों किसका नाम है? ये नाम जल का ही है, हो सकता है पहली बार सुनेंगे लेकिन आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। और हम जल को क्या कहते हैं दोस्तों? और हम कहते हैं हाइड्रोजन डाइहाइड्राइड, इसी का नाम दोस्तों है हाइड्रोजन डाइहाइड्राइड, हाइड्रोजन डाइहाइड्राइड, हाइड्रोजन डाइहाइड्राइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन डाइहाइड्राइड, हाइड्राइड। दोस्तों अब ये किसके नाम है हाइड्रोजन डाइहाइड्राइड? ये भी जल का नाम। जरा देखिए तो जल, पानी, नीर, वाटर, उसके बाद आईपीसी नेम दोस्तों क्या इससे इंपॉर्टेंट है, ये ऑक्सीडेन कहते हैं इसको। और देखिए इसके अन्य नाम क्या है, डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड और डाइहाइड्रोजन दोस्तों डाइहाइड्राइड। ये भी दोस्तों क्या है, ये भी जल का नाम है। और देखिए सबसे पहले इस जल को, सबसे पहले दोस्तों इस जल को तत्व किसने माना था, जरा ये पॉइंट बता दे आप सभी को। तो सबसे पहले दोस्तों इस जल को जब खोजा गया था इसे तत्व कहा गया था। तो दोस्तों जल को तत्व किसने कहा, आइए हम इस विषय पर बात करें आपसे। तो इसको तो सबसे पहले इसको तत्व किसने कहा, अगर ये पॉइंट दोस्तों बन जाए, या फिर सबसे पहले जल को यौगिक किसने कहा दोस्तों, ये भी पॉइंट बन सकता है। या फिर दोस्तों जल को सबसे पहले हाइड्रोजन हुआ ऑक्सीजन का यौगिक किसने कहा, तो ये भी पॉइंट दोस्तों बन सकता है। तो तीन क्वेश्चन और हमारे सामने पुट हो सकते हैं कि पहले जल को तत्व किसने कहा था दोस्तों, फिर क्या है जल को यौगिक किसने कहा था दोस्तों, फिर क्या है जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक किसने कहा दोस्तों। यहां आप कहेंगे मैक्यूर, सबसे पहले मैक्यूर दोस्तों क्या कहा था, मैक्यूर ने सबसे पहले तत्व कहा था जल को दोस्तों। उसके बाद यहां पर केवेंडिस महोदय ने, केवेंडिस महोदय ने आप देखेंगे जल का नाम क्या लिया, यौगिक कहा। केवेंडिस ने कहा कि जल जो है तत्व नहीं है बल्कि एक विशेष प्रकार का यौगिक होता है। और वही केवेंडिस साहब की बातों को आगे दोस्तों बढ़ाया किसने, लैवोसियर ने। दोस्तों लैवोसियर ने क्या किया, इनकी बातों को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते हुए अपना मत दिया। और अपने मत में दोस्तों क्या प्रस्तुत किया, लैवोसियर ने कहा यौगिक तो है लेकिन किसका यौगिक है, यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। दोस्तों यहां पर केवेंडिस ने क्या बोला कि जल तत्व तो नहीं बल्कि यौगिक है। और सबसे दोस्तों पहले मैक्यूर ने क्या कहा कि जो जल है वो तत्व है। तो इस तरह दोस्तों जल की बात हुई आगे। अब दोस्तों यहां पर देखिए इतने सारे पॉइंट्स हुए, यहीं पर दोस्तों जो लैवोसियर थे इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दोस्तों यौगिक है। और साथ ही साथ देखिए इन्होंने क्या दिया दोस्तों, इन्होंने दिया कि जल का अणुसूत्र H2O कौन दिया, लैवोसियर ने दिया दोस्तों। तो जल का अणुसूत्र H2O कौन दिया, लैवोसियर ने दिया। और आप जानते हैं दोस्तों यहां पर एक अनुपात है, एक जो भार होता है भार के अनुसार दोस्तों एक भार किसका होता है, ये हाइड्रोजन दोस्तों होता है, और आठ किसका होता है, ये होता है ऑक्सीजन का। यहां पर आप ये भी कह सकते हो कि 2:1 में यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है जल के अंदर। दोस्तों ये पॉइंट्स आप जल के विषय में बोल सकते हैं। ये कॉमन पॉइंट देखिए, ये क्या है, एक सिंपल केमिकल है जो जल होता है, रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, और जाहिर सी बात उदासीन, क्योंकि इसमें कोई स्वाद नहीं होता दोस्तों, ये उदासीन होता है। पीएच मान कितना होता है, 7 होता है दोस्तों। और देखिए इसका सिंपल नेम क्या, जल, पानी और नीर। और कहते हैं कि इसका आईपीएससी नेम क्या होता है, ऑक्सीडेन। मेरे समझ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है दोस्तों। इसका अन्य नाम क्या है, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, उसके बाद हाइड्रोजन डाई हाइड्राइड। दोस्तों सबसे पहले जल को तत्व किसने कहा, यौगिक किसने कहा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक किसने कहा, अणुसूत्र कौन दिया, ये पॉइंट्स आप अपने संज्ञान में रखिएगा। दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो जल के विषय में कुछ पॉइंट और बन जाते हैं। देखिए इसी विषय में जल के बारे में कुछ पॉइंट और बन जाते हैं जो हमारे एग्जामिनर की निगाह में होते हैं दोस्तों। वो पॉइंट क्या देखिए होते हैं, वो पॉइंट ये होते हैं
कि जल का घनत्व कितना होता है। दोस्तों जल का घनत्व कितना होता है? जल का अधिकतम घनत्व कितने पर होता है? ऐसा पॉइंट अगर बन जाए कभी एग्जामिनेशन दोस्तों, तो आप क्या बताओगे कि जल की जो मैक्सिमम डेंसिटी दोस्तों होती है वो कितनी होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है दोस्तों। कब होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों होती है कितनी? 0.998 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों ये होती है जल की डेंसिटी। दोस्तों जल का अधिकतम जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। और अगर किसी पदार्थ की डेंसिटी जल से कम होगी जल पे तैरेगा, अगर किसी पदार्थ की डेंसिटी जल से अधिक होगी तो जल में डूब जाता है। ये बात आपको भली प्रकार से पता है। दोस्तों यहां पर एक पॉइंट और बन जाता है कि जल का जल का न्यूनतम आयतन किस तापमान पर होता है? दोस्तों जल का न्यूनतम आयतन ये भी आप जानते होंगे, ये कितने पर होता है? ये भी 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जानते रहिएगा। यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन सबसे न्यूनतम होता है, लेकिन अगर तापमान को हम दोस्तों कम करेंगे तो जल की जो डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती, जल का वॉल्यूम होता है वो बढ़ता है। ये पॉइंट्स आप जानते रहना। अब मैं कुछ ऐसी बात करूंगा जिसको आप जानते होंगे। जैसे अगर हम तो करें आप सभी से कि जो जल है इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? जल का फ्रीजिंग पॉइंट दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जल किस तापमान पर जम जाता है, बर्फ बन जाता है, ये आप जानते होंगे। फिर यहां दोस्तों पॉइंट बनता है कि जल का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। मेल्टिंग पॉइंट दोस्तों, या दोस्तों अगर यहां बन जाए पॉइंट कि जो जल होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो अगर हम जल के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हम यही कह सकते हैं कि देखिए यहां कहेंगे हम 0 डिग्री सेल्सियस बराबर, दोस्तों हम कहेंगे 32 डिग्री फॉरेनहाइट बराबर 273 केल्विन। दोस्तों ये क्या होता है? 273 केल्विन होता है। तो 273 केल्विन ये दोस्तों क्या है? जल का फ्रीजिंग पॉइंट है। यानी इस तापमान पर जो जल होता है वो द्रव से ठोस बन जाता है। और अगर दोस्तों बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फॉरेनहाइट और दोस्तों 373 केल्विन होता है। ये जल के बारे में बहुत सामान्य बात दोस्तों है। अच्छा एक पॉइंट देखिए बना हुआ है आरओ और एआरओ की परीक्षा में। आज इस टॉपिक को पढ़ने का जो उद्देश्य दोस्तों है वो यही है कि यहां से क्वेश्चन बन जाता है। देखिए अगर बताऊं मैं आप सभी, क्वेश्चन बना था कि शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है कि सुचालक होता है। तो इस बात को भूलिएगा मत दोस्तों, आप यही कहेंगे कि जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन एक बात संज्ञान में रखिएगा, परंतु ऊष्मा का चालक होता है। दोस्तों ऊष्मा का चालक होता है। तो अगर कोई शुद्ध जल दोस्तों है तो क्या हो जाएगा? उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कराएंगे, यानी अगर उसमें आवेश का प्रवाह कराएंगे, तो आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है शुद्ध जल के अंदर। लेकिन अगर दोस्तों उसको हम गर्म करेंगे तो वह गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऊष्मा अच्छी तरह से ट्रांसफर हो जाती है। बल्कि जल के अंदर ऊष्मा जो ट्रांसफर होती है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा विकिरण के, ऊष्मा इसमें क्या होता है? संवहन के माध्यम से ट्रांसफर होती है। एक पॉइंट और ध्यान देना दोस्तों, जल क्या होता है? जल एक सर्वोत्तम विलायक है। विलायक तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, विलायक सर्वोत्तम विलायक होता है, सॉल्वेंट होता है, सर्वोत्तम विलायक है। दोस्तों इसका मतलब यह कि पदार्थों को घोलने में जल का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। पदार्थों को घोलने के लिए जल का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में हम करते हैं, तो जल को हम कहते हैं कि यह सर्वोत्तम विलायक होता है।
अब दोस्तों यहां पर पॉइंट ये बन रहा है कि जल हमारे आसपास 71% है दोस्तों, 71% जल हमारे आसपास विद्यमान है। अगर इतना जल है, ये जल हमें कैसे प्राप्त होता है दोस्तों? जल हमें मिलता है जल चक्र के माध्यम से। जैसे आप देखेंगे जो जल होता है वो महासागर में होता है, तालाब में होता है, झील में होता है, झरने में होता है, नदियों में होता है, पेड़ पौधों में होता है। तो जल अलग अलग माध्यमों में हमारे आसपास फैला हुआ है। जब इस जल के स्रोत पर प्रकाश पड़ता है सूर्य का, तो यह जल वाष्पीकृत होकर के वायुमंडल में आता है और जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में टिक जाता है। और इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वही जल वाष्प जब पिघलती है तो इस क्रिया को संघनन कहते हैं, और संघनन की क्रिया के बाद जल वाष्प पिघल करके पुनः जब द्रव बनती है, उसी द्रव से बादल बन जाते हैं और बादल ऊंचाई पर रहते हैं, तो इसीलिए जो बादलों में जल रहता है वो बर्फ का रूप लेता है। क्योंकि आप जानते हैं जितना हम क्षोभ मंडल पर ऊंचाई पर जाते हैं तापमान कम होता है, प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो बादल ऊंचाई पर होते हैं तो जाहिर सी बात है तापमान कम होता है, उन बादलों में रहने वाला जल बर्फ बन जाता है। दोस्तों वापस जब बादलों में घर्षण होगा तो वह जो बर्फ होती है या तो जल के रूप में या फिर दोस्तों पानी की बूंदों के रूप में वर्षा के साथ धरती पर आती है, और धरती पर आने के बाद अलग अलग माध्यमों में पहुंच जाती है। दोस्तों इसी को हम कहते हैं जल। तो हम जानते हैं जल जो जल चक्र, दोस्तों हम जानते हैं जल चक्र क्या होता है। देखिए चक्र का मतलब होता है चक्रीयकरण, मतलब जहां से शुरू हो जाता है वहीं से हम उसका अंत कर देते, तो जहां शुरू हुआ फिर वहीं पहुंच जाए वापस। जैसे मान लीजिए अभी आप यहां चलना शुरू करते हैं और घूमते घूमते वापस दोस्तों यहीं पहुंचाए, ये क्या है? चक्रीयकरण आपका पूरा हो गया है। तो जल हम जानते हैं कि हमारे आसपास 71% जल है, ठीक है दोस्तों। हम जानते हैं कि हमारे आसपास जल कितना है दोस्तों, पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी दोस्तों कुल है? कुल 71% दोस्तों, अर्थात लगभग 3/4 जो भाग है वो क्या दोस्तों, लगभग 3/4 जो भाग है वो क्या है? वो जल से फैला हुआ है। वो क्या है? वो जल से फैला हुआ है। 3/4 भाग क्या है? केवल और केवल दोस्तों जल है, ये आप जानते हैं। और एक बात और जानिएगा, अगर क्वेश्चन बन जाए कि किस, ये पृथ्वी है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है उसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। दोस्तों यह जो रेखा है पृथ्वी को दो गोलार्धों में डिवाइड कर देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इस रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिण में क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये दोस्तों क्या हो गया? ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या हो गया? ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। क्वेश्चन ये बनता है कि इनमें से कौन सा जली गोलार्ध है और कौन सा स्थली गोलार्ध है। एक बात मत भूलना, जो यहां दक्षिणी गोलार्ध होता है इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें जो स्थल है वो कितना? मात्र 20% दोस्तों, और जल कितना होता है? 80% होता है। और अगर यही हम देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में तो यहां आप स्थल कितना देख पाओगे? स्थल 40% देख पाओगे, और दोस्तों जल कितना देख पाओगे? 60%। तो आप अब आपका दिमाग यहां पर लग रहा होगा कि कौन सा गोलार्ध? जली गोलार्ध। दोस्तों ये देखिए दक्षिणी गोलार्ध में कितना जल? 80% है, कहीं ना कहीं सबसे अधिक जल यहीं पर होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध को हम दोस्तों क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध क्या है? जली गोलार्ध कहलाता है। दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध जली गोलार्ध कहलाता है। जली गोलार्ध कहलाता है। चीजों को बहुत आराम समझिए और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा दोस्तों, कहलाता है। हम चारों तरफ से जल से घिरे हुए हैं और जल का जो घेराव है इसी को हम जल मंडल कहते हैं, यानी हम चारों ओर से जल से घिरे हुए हैं। आप देखिए जल वाष्प है, नदी है, झील है, झरना है, नाला है, नाली है, तालाब है, पोखरा पोखरी सब तमाम चीजें हैं। तो हम इन सब से घिरे हुए दोस्तों, यही क्या है? जलमंडल है। और ध्यान रखना दोस्तों यहां पर जो जल है, जल हमें कैसे मिलता है? जल हमें
जल चक्र से प्राप्त होता है, जल चक्र से प्राप्त होता है। तो अब आप सोचेंगे ये जल चक्र क्या होता है जिसका नाम मैं बार बार ले रहा हूं। दोस्तों वाटर साइकिल, अगर वाटर साइकिल की मैं आपसे बातचीत करूं तो वाटर साइकिल दोस्तों हम किसे कह सकते हैं, तो बहुत ध्यान से यहां देखिए और इत्मीनान से इस फिगर को देखिए। दोस्तों सबसे पहले जल कहां होता है, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। दोस्तों जल कहां होता है, तो जल होता है तालाब में, झील में, झरना में, महासागर में, नदियों में। जल यानी अपने भिन्न भिन्न स्रोत में होता है। जैसा कि यहां आप देख पा रहे हो दोस्तों, यहां पर क्या है, यहां पर आप जो देख पा रहे हो ये जल है। तो यहां क्या है दोस्तों, यहां पर जल विद्यमान है, यहां पर क्या है, जल विद्यमान है, ठीक है। और जल कहां है, पेड़ पौधों की पत्तियों में है, नदियों में हजार जल होता है दोस्तों। तो होता क्या है, जब सूर्य का प्रकाश इस जल के स्रोत पर पड़ेगा, जब सूर्य का प्रकाश इस जल के स्रोत पर पड़ता है तो जल का वाष्पन होगा। देखिए दोस्तों क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। जब वाष्पन होगा तो यह जल इस अपने स्रोत से उठ करके, अपने स्रोत से निकल करके कहां जाएगा, यह जाएगा वायुमंडल में। आप जानते हैं कि वाष्पन किसी भी तापमान पर हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग तापमान और क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो वाष्पन की दर बढ़ जाती है, ये आप जानते हैं। बशर्ते दोस्तों हम कहते हैं कि बॉइलिंग जो होता है, उबलना, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है साधारणतया, लेकिन वाष्पन किसी भी तापमान पर हो सकता है, ये आप जानते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर भी पानी वाष्प बनकर के उड़ सकता है। अगर उस पानी का वाष्प दाब वायु दाब के बराबर हो जाए तो वह पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर भी दोस्तों भाप बन जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। यहां देखिए ये जल वाष्प, जल जो है वाष्पीकृत होकर के कहां पहुंचता है, वायुमंडल में। दोस्तों यहां देखेंगे वायुमंडल में जल कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया वायुमंडल में वाष्पीकृत होकर के। अब ये क्या है दोस्तों, ये जल वाष्प है यानी पानी की बूंदे है, जो कहां पर है, वायुमंडल में है। कैसे पहुंची, वाष्पन के माध्यम से पहुंची। अब देखिए जब तापमान घटता बढ़ता है, ये जो जल की बूंदे यहाँ वायुमंडल में गई हुई थी, ये बूंदे क्या होती, पिघल जाती हैं, और जब पिघल जाती हैं तो जल वाष्प से क्या बनती है, वाष्प अलग जल अलग, यानी जल बन जाती है दोस्तों। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। यानी जब जल वाष्प पिघल करके वापस जल बन जाए तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, संघनन कहेंगे। और संघनन की क्रिया के बाद क्या बनता है बंधु, तो संघनन की क्रिया के बाद बादल बनते हैं। संघनन क्रिया के बाद क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। और बादल क्या करते हैं, वर्षा करते हैं, ये आप जानते हैं। अब देखिए पानी जो महासागर में था, नदी में था, तालाब में था, झील में था, झरना में था, वायुमंडल में गया और क्या बन गया, बादल बन गया। अब बताओ, पहले पानी था, फिर हवा बना और फिर पानी बन गया। तो द्रव अपना रूप बदल रहा है, जल अपना रूप बदल रहा है, पहले लिक्विड था, फिर गैसियस फॉर्म में आया, जल वाष्प बन गया, फिर वापस क्या बन गया, द्रव बन गया। और जैसे बादलों में गया, बादल इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि वह पानी जो अब तक जल से वाष्प बना, वाष्प से द्रव बना, और द्रव से फिर क्या बन गया, बर्फ बन गया। और बर्फ के रूप में कहां रहता है, इन बादलों में, या तो बर्फ के रूप में या तो द्रव के रूप में, इन बादलों में वो पानी रहता है। और जब बादलों में दोस्तों घर्षण होता है तो घर्षण के बाद वह पानी वापस धरती पर आता है। और तो जब धरती पर आएगा दोस्तों तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्षा के द्वारा कहां पर आ गया, कहते हैं कि धरती पर आ गया। और जब धरती पर आया, जैसे ही पानी कहां पर आया दोस्तों, जैसे ही पानी धरती पर आया, धरती पर आने के बाद अपने भिन्न भिन्न स्रोतों में पहुंच गया। देखिए कहां पहुंच गया, कहीं तालाब में पहुंच गया, है ना दोस्तों, कहीं कुछ जल भूमिगत चला गया, मिट्टी के अंदर पहुंच गया, कुछ नदियों में दोस्तों पहुंच गया, कुछ देखिए नालियों में पहुंच गया। और जो जल भूमिगत गया था मिट्टी के अंदर, हमने दोस्तों क्या किया, हैंडपंप लगा दिया और हैंडपंप से उस पानी को खींच लिया दोस्तों। और फिर ये पानी कहां पहुंच गया, ये नदियों में पहुंच गया, नालियों में पहुंच गया। और पानी फिर धरती पर आने के बाद कुछ पेड़ पौधों में गया, कुछ भूमिगत हुआ, कुछ नदी में गया, कुछ नाले में गया, कुछ तालाब में गया दोस्तों। कुछ जल कहां पहुंच गया, नदियों के माध्यम से फिर से महासागर में पहुंच गया। फिर से वाष्पन होगा, फिर संघनन होगा, फिर बादल बनेगा, फिर वर्षा होगी, फिर पानी धरती पर आएगा,
फिर महासागरों में जाएगा, फिर वाष्पन, ये क्रिया चलती रहती है। तो दोस्तों इस पूरी क्रिया को हम क्या कहते हैं, जल का वाष्पन कहते, जल का चक्रीकरण कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। जल चक्र के माध्यम से ही हमें जल प्राप्त होता है। अगर वर्षा ना हो तो जल हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। और वर्षा क्यों होती है, जल चक्र के द्वारा होती है, जल चक्र के कारण होती है। अब प्रश्न यहां पर क्या पूछता है, जो प्रश्न पूछता है आप मुझे ये बता दो भाई कि जल का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है परीक्षा में, जल का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए इस जल चक्र के अंदर तो आप कहेंगे कि वर्षा का जल, जल का सबसे शुद्धतम रूप होता है। और दोस्तों क्वेश्चन बनता है इस जल चक्र में द्रव के किस रूप का, ठोस द्रव या गैस, द्रव के किस रूप का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। आपको बोलना है कि इस पूरे जल चक्र में जल के किस रूप का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। तो निसंदेह आप क्या बताएंगे, द्रव के, जल के द्रव रूप का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है दोस्तों। और अगर क्वेश्चन बन जाए इस पूरे जल चक्र में सबसे आवश्यक भाग क्या रहा, तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों सूर्य रहा, उसके बाद द्रव रहा। दोस्तों अब क्वेश्चन यहां से देखिए बनता है, मैं आप क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं जल चक्र के बारे में। अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पर वाटर साइकिल के विषय में, जो कॉमन पॉइंट मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर, अगर कॉमन पॉइंट पर हम चर्चा करें यहाँ, तो हम इसके बारे में देखिए क्या कह सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट हम ये कह सकते हैं जल के विषय में दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जल का शुद्धतम रूप क्या होता है, रूप क्या होता है दोस्तों। और हम क्या कह सकते हैं कि जल चक्र में, कहेंगे कि जल चक्र में जल के किस रूप का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। ये पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकता दोस्तों। और क्वेश्चन बन सकता है यहां पर कि संघनन किसे कहते हैं, संघनन किसे कहते हैं दोस्तों। और पॉइंट बनता है कि वाष्पन किसे कहते हैं दोस्तों। और पॉइंट बनता है कि जल का घनत्व कैसे मापते हैं दोस्तों, या फिर जब जल वायुमंडल दोस्तों पहुंचता है तो वायुमंडल में क्या हो जाता है, आर्द्रता आती है दोस्तों। वायुमंडलीय आर्द्रता मापी यंत्र कौन सा होता है, तो ऐसे दोस्तों पॉइंट बन सकते हैं। देखिए अब यहां अगर बात करें तो हम कहेंगे वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है दोस्तों, और इसके बाद होता है आश्रित जल। और आप जानते हैं कि आश्रित जल कैसे प्राप्त होता है, जब हम ठोस जल को दोस्तों, जब हम अस्थाई कठोरता वाले जल को गर्म करते हैं तो उससे जब वाष्प बनती, उस वाष्प को संघनन के बाद, इस वाष्प की संघनन के बाद, इन वाष्प के पिघलने के बाद जो जल मिलता है वही आश्रित जल है और सबसे शुद्ध जल होता है। कोई बताएगा नहीं आपको जल चक्र में जल का किस रूप का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है, तो द्रव रूप का कहेंगे दोस्तों। यहां पर कहेंगे हम लिक्विड फॉर्म का सबसे अधिक यूज हुआ है। और दोस्तों कहते हैं संघनन क्या होता है, कंडेंजेशन, तो हम कहते हैं दोस्तों कि यहां से वाष्प से द्रव में बदलना क्या होता है दोस्तों, ये कहलाता है संघनन। जैसा कि आपने देखा जो वायुमंडल में जल वाष्प थी वो पिघल करके बादल में बन गए दोस्तों। वाष्पन क्या होता है, कहेंगे द्रव का वाष्प में बदलना दोस्तों, क्या होता है, द्रव का गैस में बदलना क्या होता है, वाष्पन कहलाता है। ये भी आप जानते रहना। और जल की डेंसिटी को मापने के लिए भूलिएगा मत इसको, हम क्या कहते हैं, हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और देखिए आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हम क्या दोस्तों करते हैं, यहां पर हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या करेंगे दोस्तों, हाइग्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं, तो इसको आप भली प्रकार से अपने संज्ञान में रखिएगा दोस्तों। आइए अब हम समझते हैं कि जल हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और जल का क्या महत्व है हमारे लिए,
क्योंकि हम जानते हैं कि पानी के बिना किसी भी जीवधारी का जीवन अधूरा है, चाहे पेड़ पौधा हो, कोई जानवर हो या मनुष्य हो। हम सभी का जीवन तभी है जब धरती पर जल है। आप देखिए ऐसे बहुत सारे ग्रह खोजे गए हैं, लेकिन ग्रहों पर जल ना होने के कारण जीवन दोस्तों असंभव है। तो धरती पर जीवन क्यों है? क्योंकि यहां पर स्थल जल और वायु के कारण जीव मंडल बन पाया है, तभी धरती पर जीवन है। दोस्तों मेरा पहला कथन यही था कि हम जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है, जीवन है तो पर्यावरण है, और अगर पर्यावरण है तो ये धरती है, और दोस्तों धरती है तो हम सब हैं, ये हम जानते हैं। ठीक, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे यहां पर जल के महत्व के बारे में कि जल हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे दोस्तों जल हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। देखिए महत्व तो जल का बहुत होता है दोस्तों, इतना महत्व है कि हम जल के एहसान को कभी भुला नहीं सकते दोस्तों, ना तो इसके एहसान को हम कभी वापस कर सकते हैं। जल हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप जानते हैं कि सजीवों के शरीर का जो भाग होता है उसमें बहुत सारा दोस्तों जो भाग है वो जल से बना है। जैसे दोस्तों अगर हम देखें तो यहां पर हम कह सकते हैं, देखिए दोस्तों मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर का 60 से लेकर 70% दोस्तों भाग क्या होता है? जल होता है मनुष्य के अंदर। और दोस्तों हम कह सकते हैं कि मछली में जो मछलियां होती हैं दोस्तों, मछली का जो 80% भाग होता है बॉडी का वो कैसे बनता है? वो बनता है जल से। और दोस्तों हम कह सकते हैं जो स्थली पौधे होते हैं, कौन से पौधे? स्थली पौधे दोस्तों जो होते हैं, स्थली पौधों में, स्थली पौधों का 50 से लेकर 80% भाग जल का ही होता है। और दोस्तों आप यहां पर एक पॉइंट बता दूं मैं आप सभी को, जो मौसम चल रहा है खीरा और ककड़ी का, तो आप लोग नहीं खाते हो, खाया करिए, क्योंकि 97% जो खीरा और ककड़ी होती है दोस्तों उसमें क्या होता है? उसमें होता है जल। कितना? 97%। तो बहुत बड़ी बात है, अगर आप इसे खाएंगे तो आपकी बॉडी कभी डिहाइड्रेट नहीं करेगी, और आपकी बॉडी में दोस्तों वाटर लेवल क्या होगा? हमेशा मेंटेन रहेगा। ठीक है दोस्तों, मेंटेन कैसे रहेगा? अगर आप खीरा और ककड़ी खाते हैं तो आपके बॉडी को कभी भी जल की कमी नहीं होगी, वो हमेशा दोस्तों हाइड्रेट रहेगी आपकी बॉडी दोस्तों, इतना होता है। और क्या देखिए महत्व है, अगर हम बात करें दोस्तों और क्या महत्व होता है जल का? जल का महत्व, तो दोस्तों जल का महत्व हम जानते हैं, जैसे हम लोग जो भी कार्य दोस्तों करते, जैसे कि भोजन पकाना हुआ, तो दोस्तों भोजन पकाने से लेकर के कहेंगे भोजन पकाना, कपड़े धुलना, साफ सफाई दोस्तों, ये कैसे संभव है? ये जल के द्वारा ही संभव है। अगर जल नहीं होगा जाहिर सी बात है ना तो हम साफ सफाई दोस्तों कर पाएंगे, और ना तो हम कपड़े धुल पाएंगे, ना तो हम खाना पका पाएंगे दोस्तों। यहां तक कि देखिए भोजन का पाचन कैसे होता है दोस्तों, भोजन का पाचन अगर पानी नहीं पिएंगे आप तो पाचन हो पाएगा? तो भोजन का पाचन दोस्तों उत्सर्जन की क्रिया होती है, उत्सर्जन दोस्तों, और क्या होता है? उपापचय की क्रिया कैसे हो पाती है? जल के द्वारा ही दोस्तों संभव हो पाती। और देखिए हमारी जो बॉडी होती है ताप नियंत्रण, अगर दोस्तों हम जाहिर सी बात है अगर हमारे शरीर में जल नहीं होगा तो पसीना भी नहीं निकलेगा, जब पसीना नहीं निकलेगा तो बॉडी का तापमान मेंटेन नहीं रहेगा, और ऐसे में हम क्या होंगे? बीमार पड़ जाएंगे। और देखिए आप पौधों में दोस्तों, हम कहते हैं कि पौधों में क्या होता है? पौधों में आप जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके दोस्तों, यानी कि पौधों में हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, और इसी क्रिया के माध्यम से तो पौधों का भोजन बनता है। तो फोटोसिंथेसिस के साथ साथ आप देखिएगा बीजों का अंकुरण बिना जल की उपस्थिति नहीं हो पाता, बीजों का
अंकुरण। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, खनिज परिवहन। खनिज परिवहन दोस्तों ये सब चीजें पौधों में वृद्धि और विकास बिना जल के असंभव है। और दोस्तों क्या होता है, हम खेती किसानी करते हैं ना, तो कृषि में दोस्तों कृषि में सिंचाई हम कैसे करेंगे, जल की सहायता से। अगर जल नहीं होगा तो सिंचाई हम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। जल विद्युत का उत्पादन, जल विद्युत का उत्पादन आप जानते हैं, अगर पानी ना हो तो दोस्तों शायद हम बिजली का उत्पादन पानी उत्पादित करते हैं, उसका कुछ न कुछ अंश जो होता है वह जल विद्युत का भी है दोस्तों, इसको हम कह सकते हैं। और विभिन्न उद्योग आप देखेंगे, विभिन्न उद्योग, अगर हम विभिन्न उद्योग की यहां बात करें आप सभी से, तो आप इस बात से भली प्रकार से परिचित होंगे दोस्तों। जैसे क्या है, कागज उद्योग, बिना पानी के संभव है क्या, असंभव है। कागज उद्योग दोस्तों, कपड़ा उद्योग बिना पानी के असंभव है, जाहिर सी बात दोस्तों कपड़ा उद्योग है दोस्तों, कागज उद्योग है, या हम कहेंगे स्टील उद्योग होता है दोस्तों। स्टील के साथ साथ देखिए यहां हम कहेंगे खाद और उर्वरक, उर्वरक खाद और उर्वरक दोस्तों आदि जो उद्योग धंधे होते हैं वह पूर्ण रूप से किस पर डिपेंड है, जल पर डिपेंड है। यहां तक कि हम लोग क्या करते हैं, एक और यानी मछली उत्पादन दोस्तों करते हैं, मछली उत्पादन करते हैं। और कैसे दोस्तों करते हैं, ये हम जल से ही करते हैं दोस्तों, जल के माध्यम से। जल मंडल में, समुद्र में देखिए बहुत सारे खनिज और समुद्र में बहुत सारे शैवाल होते हैं। समुद्री भोजन हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही पौष्टिक होता है। ये सब क्या है, जल का महत्व हमारे लिए है दोस्तों। अगर जल ना हो तो शायद ये सब चीजें हमको हमारी ना हो पाए दोस्तों। पेड़ और पौधे आप जानते हैं, कुछ पेड़ और जंतु दोस्तों कहाँ रहते हैं, केवल जल में ही निवास करते हैं। ये भी इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कुछ जंतु और पेड़ पौधे कहाँ रहते हैं, जल में ही रहते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। जो जल में रहने वाले पौधे होते हैं दोस्तों उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट, ठीक है ना। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि कुछ जंतु जैसे कि मछलियां व पौधे, जैसे कि शैवाल आप कहेंगे, कुमुदनी आप कहेंगे दोस्तों, सिंघाड़ा आप बोलेंगे, ठीक है ना, पौधे जल में रहते हैं, जल में रहते हैं। तो दोस्तों जल हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। अब हमें यह समझना है कि हमारे आसपास जल कितना फैला हुआ है, जल कितना विकसित है हमारे आसपास, हमें यह जानना दोस्तों। ये महत्व हमने समझ लिया, अब हमें समझना है कि जल हमारे आसपास कहां कहां है और किस रूप में है। देखिए सारे पॉइंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना बताएंगे ये आपके आरओ और एआरओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों होगा, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। और देखिए अन्य परीक्षाएं हैं उसके लिए भी यह इंपॉर्टेंट है। तो जल के स्रोत, जाहिर सी बात है जल के स्रोत अभी आप जितना पढ़े हैं ये आपको आता है, लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे दोस्तों जाहिर सी बात है ये आपकी समझ के थोड़ा सा बाहर होगा, लेकिन आपको समझना होगा क्योंकि यहां से पॉइंट बन जाते हैं। और जो लेवल आपको चाहिए वो लेवल बिल्कुल आपका मेंटेन रहेगा। आप जानते हैं कि जल का स्रोत कहाँ कहाँ है, तो आप कहेंगे सर जल तो नदी में है, जल झरने में है, महासागर में है, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन हमें समझना है कि कितना परसेंट जल कहां पर होता है, ये हमें जानना है। अच्छा हम ये दोस्तों जानते हैं भली प्रकार से कि जल कुल कितना है, तो जल की कुल जो मात्रा है वह कितनी है, वह 71% है दोस्तों। कितनी है, 71%। इस 71% जल को हम दो भाग में डिवाइड भी तो करते हैं, और दो भाग में हम कैसे डिवाइड करते हैं, वो इस प्रकार से हम कहते हैं कि एक जल कैसा होता है, एक है लवणीय जल दोस्तों। लवणीय जल का मतलब होता है खारा जल, लवणीय जल। सबसे लवणीय झील कौन सी होती है आप जानते होंगे, तो वान झील आपको पता होगा, इसको हम दोस्तों कहते हैं खारा पानी, नमकीन पानी, मरीन वाटर दोस्तों। एक क्या होता है, अलवणीय होता है, अलवणीय। अलवणीय का मतलब होता है मीठा जल, जो फ्रेश वाटर होता है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं ताजा जल, जिसको हम कहते हैं मीठा जल, फ्रेश वाटर, ठीक है ना। तो लवणीय और अलवणीय
दो प्रकार के दोस्तों जल आपके आसपास आप देखेंगे विद्यमान होते हैं। अगर हम यहां पर देखें आगे तो जो लवणीय जल होता है यहां आप देख सकते हैं वह दोस्तों कितना होता है, ये पॉइंट हमारा दोस्तों बन जाए तो ये कितना है, ये पूरे जल का 97% भाग होता है। और दोस्तों यह पूरे जल का कितना होता है, 3% भाग होता है। और 97% में अगर हम देखेंगे तो इसमें हम जब देखते हैं कि यहां पर सबसे अधिक पानी कहां होता है, सबसे अधिक पानी दोस्तों होता है महासागर में। आप जानते हैं कि 97% अगर इसको अपने आप में हम 100% मान ले तो 98% पानी कहां होता है, महासागरों में होता है। आप भली प्रकार से जानते होंगे सबसे बड़ा महासागर दोस्तों कौन सा है, प्रशांत महासागर है दोस्तों। महासागर होता है या फिर हम कहेंगे सागरों में खारा पानी होगा या दोस्तों खारे पानी की झील में खारा पानी होगा, खारे पानी की झील में खारा पानी होता है, ये आप जानते हैं। देखिए अब दोस्तों अगर बात करें जो मीठा पानी होता है वो कितना है, कुल 3% ही मीठा पानी अगर है तो ये 3% कहां कहां होता है दोस्तों। देखिए 3% है ये मीठा पानी, इस पूरे 3% मीठा पानी का अगर हम देखें तो हिमनद में, आप जानते होंगे दोस्तों हिमनद क्या होता है, हिमनद जैसे ग्लेशियर जिसको हम बोलते हैं दोस्तों बर्फ के रूप में जो पानी है कितना है, 2% है। तो 2% पानी तो बर्फ ही हो गया और बर्फ वाला पानी जाहिर सी बात है ये अनुपयोगी होता है दोस्तों। और ये पानी जो आपने यहां लिखा हुआ है ये पानी भी क्या हमारे लिए, ये भी अनुपयोगी है, यानी ये जो पानी है इसको हम किसी भी दशा में उपयोग में नहीं ला सकते दोस्तों। ठीक, अब देखिए ये पानी दोस्तों, ये पानी भी हमारे लिए क्या है, ये भी अनुपयोगी है, इसको दोस्तों हम यूज नहीं कर सकते दोस्तों, ये भी क्या है, अनुपयोगी है। लेकिन कुछ पानी और है दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं कि भूमिगत जल क्या है दोस्तों, कुछ पानी क्या है, भूमिगत है या फिर कहां दोस्तों, या फिर हम कहेंगे नदी में है, या फिर हम कहेंगे झील में है दोस्तों, या फिर हम कहेंगे झरने पर है दोस्तों, या फिर हम कहेंगे तालाब में है, तालाब में है दोस्तों, या फिर हम कहेंगे कि वाष्प के रूप में है दोस्तों, या फिर हम कहेंगे पौधों में है, कुछ पानी पौधे के अंदर दोस्तों पौधों के अंदर होता है, कुछ दोस्तों पानी कहां होता है, नालियों में होता है, नाले में होता है, कुआं में होता है दोस्तों, कुछ पानी कहां पर है, कुआं में है। कि यही पानी हमारे लिए क्या होता है, उपयोगी होता है दोस्तों, यही पानी हमारे लिए क्या है, यही उपयोगी है। और कितना परसेंट, केवल 1% दोस्तों ये पानी हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। तो केवल 1% हमारे लिए पानी उपयोगी है और इस 1% का हम कितना परसेंट पानी यूज करते, ये भी एक देखने वाली बात है, 0.006% पानी दोस्तों हम इस समय यूज करने लायक बचा हुआ है हमारे लिए। तो 0.006% पानी ही हमारे लिए बचा है जिसको हम यूज कर रहे हैं, अगर ये पानी खत्म हो जाएगा तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। आप देखिए 1% पानी उपयोगी हमारे लिए है और इस 1% का कितना उपयोग हम कर पा रहे, 0.006% पानी दोस्तों हमें मिल रहा है और यही अगर खत्म हो जाएगा तो पानी का भंडार हमारे लिए खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों जल का जो वितरण है वो इस प्रकार से है, ये आप जानते रहना। अब यहां दोस्तों बात करेंगे जल के प्रकार की, मैं सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा आप सभी के सामने यहां पर जल के प्रकार की, कि जल के प्रकार, तो जल दोस्तों कितने प्रकार का होता है, तो जल देखिए दो प्रकार का होता है, एक को हम कहते हैं खारा जल दोस्तों, एक को हम क्या एक को हम कहते हैं मृदु जल दोस्तों, एक को हम कहते हैं कठोर जल। तो दोस्तों एक होता है मृदु जल, सॉफ्ट वाटर। अब ये सॉफ्ट वाटर क्या होता है, देखिए बस ध्यान देना कि ऐसा जल, ऐसा जल जो साबुन के विलयन के साथ, साबुन के विलयन के साथ झाग उत्पन्न करता है, झाग उत्पन्न करता है। अभी देखिए जो वर्तमान में पानी हमें मिलता है, जब उस पानी से हम कपड़े धुलते हैं दोस्तों, कपड़े बहुत आसानी से साफ होते हैं क्योंकि झाग बनता है।
अगर झाग नहीं बनता तो शायद कपड़े भी आसानी से साफ नहीं हो पाते, और कपड़े अगर साफ होते इसका मतलब आसानी से झाग बनता है। तो झाग दोस्तों कैसे बनता है, अगर वह पानी सॉफ्ट वाटर है, मीठा जल है दोस्तों, तो उसमें झाग बनेगा और दोस्तों वह पानी आसानी से कपड़ों को साफ कर देगा। और यह पानी कैसा होता है दोस्तों, यह पानी पीने योग्य होता है। क्लियर, पीने योग्य होता है यह पानी। और हम क्या कहेंगे दोस्तों, इस पानी में खनिज की पर्याप्त मात्रा दोस्तों पाई जाती है। यह पानी दोस्तों क्या होता है, पीने योग्य होता है। और यह पानी क्या होता है, शुद्ध होता है। यह पानी कैसा होगा, शुद्ध होता है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों क्या है, जैसे वर्षा का जल दोस्तों क्या होता है, शुद्ध होता है। जैसे आश्रित जल दोस्तों क्या होता है, शुद्ध होता है। आश्रित जल ये कैसे मिलेगा हमें, जब कठोर जल को हम गर्म करेंगे, उबालेंगे, उससे भाप बनेगी। उसी भाप को जब हम संघनन की प्रक्रिया से गुजारते हैं तो वह भाप वापस द्रव बन जाती है, और इसी को दोस्तों हम कहते हैं आश्रित जल। वो भी क्या होता है, शुद्ध जल होता है। इसके बारे में जानते रहिएगा आप लोग। अब देखिए यहां बात करेंगे, जल का एक प्रकार और होता है जिसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, कठोर जल। तो एक हो गया मृदु जल दोस्तों, एक क्या होता है, कठोर जल। अगर कठोर जल की यहां पर आप बातचीत करोगे तो कठोर जल कौन सा जल होता है, देखिए अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, जाहिर सी बात हम कहेंगे कि ऐसा जल, कहेंगे कि ऐसा जल जिसमें साबुन लगाओ पर वो झाग उत्पन्न नहीं करेगा। कभी आप सोचिएगा, कभी अगर आपको मौका मिले तो समुद्र किनारे जाइएगा, वहां कपड़े धुलिएगा खूब साबुन लगाकर रिंस और फेक्सल, पर वो कपड़े झाग नहीं उत्पन्न कर पाएंगे, वो पानी झाग नहीं उत्पन्न कर पाएगा। क्योंकि वो पानी कैसा होता है दोस्तों, वह पानी होता है कठोर। तो ऐसा जल कहेंगे कि ऐसा जल जो साबुन के विलयन के साथ, जो साबुन के विलयन में, के विलयन में, साबुन के विलयन में झाग उत्पन्न नहीं करता है। तो दोस्तों ऐसा जल जो साबुन के विलयन में झाग उत्पन्न नहीं करेगा वो हो जाएगा हार्ड वाटर, कठोर जल। अगर ऐसा है झाग उत्पन्न नहीं कर रहा है तो इसका कोई ना कोई कारण तो होगा ही। तो दोस्तों इसका कारण क्या है, जाहिर सी बात है क्वेश्चन यहां बनेगा कि इसका क्या कारण है, कि आखिर ये झाग क्यों नहीं उत्पन्न कर रहा है। तो दोस्तों हम कहेंगे इसमें मैग्नीशियम के और कैल्शियम के, इस जल में, इसमें मैग्नीशियम व कैल्शियम के, व कैल्शियम के बाइकार्बोनेट सल्फेट व क्लोराइड मिले होते हैं। तो जाहिर सी बात दोस्तों, अगर ये सब मिला होगा तो जल कहां फिर झाग दे पाएगा, पानी कहां झाग दे पाएगा। उसमें दोस्तों क्या मिला होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट सल्फेट और क्लोराइड मिले होने के कारण दोस्तों ऐसा पानी झाग नहीं दे पाता है। देखिए दोस्तों, अब ऐसे कठोर जल को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। इसमें दोस्तों एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं अस्थाई कठोरता, सॉरी दोस्तों एक को हम कहते हैं अस्थाई कठोरता, और दोस्तों एक को हम कहते हैं अस्थाई कठोरता। यानी एक कठोरता ऐसी दोस्तों जो अस्थाई होती है, और एक ऐसी कठोरता जो अस्थाई होती है। अब दोनों को दूर करने का उपाय अलग अलग होता है दोस्तों। अगर जल की कठोरता दूर करनी हो, और जल में अगर मान लीजिए अस्थाई कठोरता हो, अस्थाई का मतलब होता दोस्तों कि यह क्या होती है, इसको हम दूर कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। अगर जल में अस्थाई कठोरता होगी तो एक सिंपल सा फंडा अपनाइए, इसको गर्म करिए, कठोरता इसकी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों जल की अस्थाई
कठोरता क्यों होती है जब दोस्तों जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण मिल होते हैं? तो कहेंगे कि जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण। तो दोस्तों कहते हैं कि जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण जल में अस्थायी दोस्तों कठोरता होती है, और इसको दूर हम कैसे कर सकते हैं? इसको दोस्तों दूर करने हेतु आप क्या करोगे? बस कुछ नहीं दोस्तों, जल को उबाल दो। जल उबालना, बस पानी को उबाल दीजिए, कठोरता भाग जाएगी, कठोरता अपने आप दोस्तों क्या होगी, दूर चली जाएगी। तो जल की अस्थाई कठोरता आप ऐसे दूर कर सकते हो। लेकिन आपने गर्म किया और जल फिर भी वैसे ही रह गया, इसका मतलब जिद्दी है। जैसे दाग जिद्दी होते हैं, इसका मतलब जिद्दी है, इसके लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। अब स्पेशल क्या करोगे? देखो आप दोस्तों, अब यहां पर एक और कठोरता होती है जिसको हम कहते हैं अस्थाई कठोरता। अब ये अस्थाई हो गया, अस्थाई कठोरता। अब इसे कैसे खत्म करोगे बंधु? इसे खत्म करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले यह जानो कि क्या होता है अस्थाई कठोरता। दोस्तों हम कहते हैं कि जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड मिलने के कारण दोस्तों जल क्या होता है, जल में जो कठोरता होती है वो अस्थाई हो जाती है। और दोस्तों जल की अस्थाई कठोरता दूर करने के कारण, देखिए दूर हम कैसे करते हैं, अगर दोस्तों इसको दूर करना है तो इसके कई सारे उपाय होते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। दोस्तों अगर इसको दूर करना हो तो दूर इसे आप कैसे करोगे? इसको दूर करने के लिए क्या करोगे? तो इसको दूर करने के लिए आप इसमें दोस्तों क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट जब मिलाएंगे तो सोडियम कार्बोनेट मिलने से क्या होगा, मिलाकर गर्म करना। जब मिलाकर गर्म कर देंगे ना, तो जल की जो अस्थाई कठोरता होगी वो खत्म हो जाएगी। दोस्तों ये भी कर सकते हैं, या देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, एक आती है क्लार्क विधि। आप जानते हैं जब बुझे हुए चूना को मिलाते हैं ना, तो जब इस जल में हम मिलाते हैं बुझा हुआ चूना, दोस्तों क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको मिलाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिलने के कारण दोस्तों ये जल क्या होता है, इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। जब इसको हम मिलाते हैं दोस्तों, इसको मिलाने से क्या होता है, जल की अस्थाई कठोरता दूर हो जाती है। बुझा हुआ चूना जब मिलाते हैं जल में, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्लार्क विधि। क्या बोलते हैं इसको, हम कहते हैं क्लार्क विधि। तो क्लार्क विधि के माध्यम से हम जल को क्या दोस्तों, शुद्ध कर देते हैं। ये जान लेना कि कठोर जल को गर्म करने के बाद प्राप्त वाष्प जब संघनित होकर के वापस द्रव बन जाती है, तो दोस्तों इस जल को हम क्या कहते हैं, इस जल को हम नाम देते हैं आश्रित जल, यह शुद्ध जल कहलाता है। तो दोस्तों ये आपने समझ लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब दोस्तों आगे हम समझेंगे जल प्रदूषण क्या होता है। जल प्रदूषण देखिए, यहां पर जब आप पढ़ेंगे जल प्रदूषण, यहां दोस्तों मैं आपको डीओ क्या होता है, उसके बाद डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है दोस्तों, या फिर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है। अगर आप कहीं नहीं पढ़े हैं मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा। यहां दोस्तों सबसे पहले क्या है, जल प्रदूषण क्या होता है। दोस्तों जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जल ही जीवन है, ये सब हम जानते हैं। देखिए जल को हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धुलने नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई में इस्तेमाल करते हैं। जल हमारे आसपास विद्यमान है, जल नहीं है तो हम भी नहीं है।
हमारे आसपास उपस्थित जल में जब मानव या प्राकृतिक कारणों से जल की गुणवत्ता में कमी आती है और इस जल का हमारे स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो हम इसी को कहते हैं जल प्रदूषण। और जल प्रदूषण का कारण दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे कारण होते हैं जल को प्रदूषित होने से। दोस्तों अगर हम बात करें कि जल प्रदूषण का कारण क्या है, देखिए सबसे दोस्तों फर्स्ट क्या हम कहेंगे, सबसे पहला कारण जल को दूषित करने वाला क्या होता है, तो हम यहां पर यही दोस्तों कहेंगे, जब हम घरों में खाना पकाते हैं तो बहुत सारे वेस्टेज निकलते हैं, उसे हम क्या करते हैं भाई, पानी में फेंक देते हैं, नाले में फेंक देते हैं, तो जाहिर सी बात है उससे जल क्या होता है, दूषित होता है। दोस्तों हम कहते हैं कि घरों से निकलने वाले कूड़ा कचरा, दोस्तों घरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा, या देखिए पशुओं का अपशिष्ट, जो पशुओं का अपशिष्ट होता है, उनका मलमूत्र होता है, उनका गोबर होता है, या पशुओं का दोस्तों मृत शरीर होता है, या मृत शरीर जो पशुओं का होता है, इसको भी हम पानी में जब फेंकते हैं तो जल क्या होता है, जल दूषित हो जाता है, भले इस पर हम गौर नहीं करते। और दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, यहां देखिए जो कारखाने हैं, कारखानों से, उद्योग धंधों से दोस्तों, कारखानों से निकलने वाला, दोस्तों कारखानों से निकलने वाला क्या निकलता है कारखानों से, तो भाई दूषित जल निकलता है। दोस्तों क्या निकलता है, दूषित जल निकलता है कारखानों से, आप देखिएगा दूषित जल दोस्तों निकलता है कारखानों से। और दोस्तों क्या निकलता है, कचरा निकलता है, और क्या निकलता है, रसायन निकलता है, कचरा निकलता है, कचरा और क्या निकलेगा, रसायन निकलता है दोस्तों, और क्या निकलता है, आर्सेनिक निकलता है कारखानों से दोस्तों, और क्या निकलता है, तांबा निकलता है दोस्तों, और क्या निकलता है, तो सीसा निकलता है दोस्तों, और क्या निकलता है, तो पारा निकलता है, क्या निकलता है, पारा निकलता है। और दोस्तों ये सब क्या होते हैं, ये सब जल को दूषित करने के लिए काफी होते हैं दोस्तों, ये सब कहां से निकलते, कारखानों से। और देखिए इसके अलावा खेतों में हम क्या करते हैं, खेतों में खाद उर्वरक का प्रयोग, खाद उर्वरक, उर्वरक कीटनाशी, कीटनाशी खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी, देखिए हम जो भी इस्तेमाल करते हैं ना, ये सब तो हम अपनी फसलों को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपने खेती की और धान की खेती की, दोस्तों मान लीजिए अपने धान की खेती की और धान में खूब दबा के फसल बलवान, तो डाई अमोनियम फास्फेट, तो यूरिया सब आपने खाद डाल दिया, आपने सोचा कि धान मस्त होगा, लेकिन इतना चपक करके वर्षा हो गई दोस्तों, जब बढ़िया से वर्षा हुई तो उस वर्षा के द्वारा इतना खेत में पानी हो गया, पूरी खादें बह गई, जरा सोचिए आप। या फिर जो पानी रिसाव हुआ तो जो खाद और कीटनाशी था और रिस करके मिट्टी के अंदर पहुंच गया, पानी को दूषित कर दिया, जो पानी बह गया नदी में पहुंच गया, मीठे पानी को दूषित कर दिया। तो कीटनाशी के प्रयोग से दोस्तों क्या होता है, जल दूषित होता है, इस बात को हम डायरेक्टली बोल सकते हैं दोस्तों। और देखिए क्या होता है, आप देखिए बड़े बड़े जो महासागर होते हैं वहां देखिए दोस्तों क्या होता है, तेल रिसाव होता है ना, बड़े बड़े टैंकर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो तेल लेके जाते हैं, कच्चा तेल, और वही जो टैंकर थे, वही जो जहाज थे, पलट गए महासागरों में, पानी कैसा दोस्तों, दूषित हो गया। ये सब क्या है, पानी को दूषित करने के कारक होते हैं। या आप मान लीजिए घूमने के लिए गए कहीं तालाब के पास, प्लास्टिक थी, खाया पिया, पानी में फेंक दिया, लोग पानी में सिक्का फेंकते हैं, लोग पानी दोस्तों क्या करते हैं, सिक्का फेंकते हैं। आप देखेंगे पानी में सिक्का जो फेंकते थे पहले, तांबे का सिक्का, उस तांबे का सिक्का पानी में फेंकने का एक कारण था, तांबे का सिक्का जब हम पानी में फेंकते थे तो उस तांबे के सिक्के से पानी शुद्ध होता था। अभी भी अगर आप तांबे के बर्तन में पानी पियोगे तो आपका जो शरीर दोस्तों वो तंदुरुस्त रहेगा, लेकिन अब क्या है, लोग कुछ और ही फेंकते हैं, लाएंगे इतना इतना फूल, पानी में फेंक देंगे, नदी में फेंक देंगे, कहेंगे गंगा मैया है दोस्तों, लाएंगे लोग सिक्का, कुछ लोग ऐसे समझदार है नोट फेंकते हैं, क्या मिलता है उससे, तांबे का सिक्का फेंकने से ही
पानी शुद्ध होता था दोस्तों पहले, लेकिन अब तो लोग ऐसे ही केवल देखा देखी ऐसा करते हैं। दोस्तों ये सब क्या है, ये जल प्रदूषण का कारण है। यहां पर कुछ चीजें बता दूं मैं आप सभी, जैसे दोस्तों क्या है कि आप हो सकता नहीं जानते हो, जैसे डीओ, डीओ क्या होती है दोस्तों, डीओ क्या होती है, इसको हम कहते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन। दोस्तों अब ये क्या होती है, ये डिसॉल्व ऑक्सीजन दोस्तों क्या होती है, देखिए डिसॉल्व का मतलब होता है घुला होना, ठीक है दोस्तों, क्या होता है डिसॉल्व का मतलब होता है घुला होना, डीओ डीओ डिसॉल्व ऑक्सीजन। दोस्तों देखिए डिसॉल्व का मतलब होता है घुला होना, तो जल में घुली हुई वह ऑक्सीजन की मात्रा, कहेंगे कि जल में घुली हुई वह ऑक्सीजन की मात्रा जो जल में रहने वाले जीवधारियों के लिए श्वसन के लिए दोस्तों आवश्यक होती है, ये हम कह सकते हैं, कहेंगे कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जलीय पौधों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है दोस्तों। तो ये कहेंगे डीओ डिसॉल्व ऑक्सीजन, तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की दोस्तों वह मात्रा जो जल में रहने वाले जीव, जो जल में रहने वाले पौधों के लिए, जो पौधे हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, शैवाल है, जलकुंभी है, सिंघाड़ा है, डायटम्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स है, ये सब जलीय पौधे हैं दोस्तों, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में रहने वाले पौधों के लिए श्वसन करने के लिए आवश्यक है, उसी को हम कहते हैं डीओ डिसॉल्व ऑक्सीजन। और ध्यान देना 80 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए, कितनी 80 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए दोस्तों, इतनी, अगर इससे कम हुई तो समस्या है, इससे बढ़ी तो भी समस्या है। अब दोस्तों यहां पर बात करेंगे हम, जो आप हमेशा पढ़ते रहते हैं बीओडी, इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की। दोस्तों क्या होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर हम इसकी बात करें दोस्तों ये किसे कहेंगे, देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो जल के अंदर कुछ विशेष प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं दोस्तों, उनको क्या करना होता है, उनका जैविक रूप से अपघटन करना होता है, यानी जल में रहने वाले जो कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको अपघटित करने के लिए ऑक्सीजन जो मात्रा होती है उसी को हम कहते हैं बीओडी। तो हम यहां कहेंगे कि जल में घुली हुई या जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा जो उपस्थित, जो जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करने के लिए आवश्यक होती है, को अपघटित करने हेतु दोस्तों आवश्यक होती है, यानी जल में जो कार्बनिक पदार्थ है ना उनको सड़ाना गलाना ही क्या होता है, अपघटन कहलाता है। तो जल में रहने वाले सभी जो जलीय कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सड़ाना गलाना ही जो ऑक्सीजन होती है उसका लेवल दोस्तों यही होता है, उसी को हम कहते हैं बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है दोस्तों, अगर ये बीओडी बढ़ती है इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, तो कार्बनिक पदार्थ होंगे उनकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी दोस्तों, कहेंगे तो जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने हेतु आवश्यक है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बीओडी दोस्तों, बीओडी कहते हैं। और एक यहां शब्द और आपको सुनने को मिलता होगा जिसको हम कहते हैं सीओडी। अब ये सीओडी दोस्तों, सीओडी क्या होती है, तो सीओडी को हम कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोस्तों, केमिकल
ऑक्सीजन डिमांड। अब ये केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक नया शब्द है दोस्तों, ये क्या होता है? हालांकि बता दूं मैं आप सभी को, एग्जाम में पूछा गया है सीओडी किसे कहते हैं, केमिकल ऑक्सीजन दोस्तों डिमांड क्या होती है। अगर हम सीओडी की दोस्तों बात करें तो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की वह मात्रा जो कुल कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए पर्याप्त होती है। तो ध्यान दें दोस्तों, कहते हैं कि ऑक्सीजन की वह मात्रा, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की वह मात्रा जो कुल कार्बनिक, जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कुल कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने के लिए आवश्यक है, उसी को दोस्तों हम कहते हैं सीओडी। दोस्तों यहां पर एक और होता है दोस्तों एमएनपी। ये एमएनपी क्या होता है दोस्तों? एमएनपी क्या होता है दोस्तों? इसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल नंबर। एमएनपी मोस्ट प्रोबेबल नंबर कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल नंबर कहते हैं। अब दोस्तों ये क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर क्या होता है? देखिए अब दोस्तों होता यह है कि पानी के अंदर दोस्तों, जिस पानी के अंदर मल होता है दोस्तों, उस मल में पानी के दोस्तों क्या होता है, पानी में जब मल होता है तो उस पानी के अंदर इशरिकिया कोलाई जीवाणु की अधिकता होती है। दोस्तों इस एमएनपी के माध्यम से हम इशरिकिया कोलाई जीवाणु की संख्या को ज्ञात करते हैं दोस्तों, उसी को हम कहते हैं एमएनपी मोस्ट प्रोबेबल नंबर। यानी जिस पानी में मल अधिक होता है उसमें इशरिकिया कोलाई नामक जीवाणु बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, और उसी जीवाणु की संख्या जब हम ज्ञात करते हैं इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एमएनपी यानी मोस्ट प्रोबेबल नंबर कहते हैं दोस्तों। अब देखिए यहां दूषित जल से क्या क्या होता है। देखिए दोस्तों, तो दूषित जल से हानि क्या होती है? दूषित जल से क्या क्या हानि हो सकती है? आप जानते हैं दोस्तों पानी से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, है? हम देखें दोस्तों अगर यहां पर जो पानी होता है, इस पानी से क्या क्या हमें हो सकता है, तो हम देखते हैं दोस्तों हैजा कैसे होता है, दूषित पानी से होता है। पीलिया कैसे होती है, दूषित पानी से दोस्तों। डायरिया कैसे होती है, दूषित पानी से। पेचिस कैसे होता है, दूषित पानी से। पेचिस दूषित दोस्तों पानी से फैलता है। तो हैजा है, पीलिया है, डायरिया है दोस्तों, पेचिस है, दूषित पानी से दोस्तों फैल रहा है। टाइफाइड होता है, टाइफाइड जिसको हम कहते हैं मियादी बुखार, ये भी कैसे फैलता है, टाइफाइड दोस्तों ये भी फैलता है दूषित पानी से, टाइफाइड भी। ये देखिए जो आप डिजीज यहां पर देख रहे हैं ये सब कैसे फैल रहे हैं, ये दूषित पानी से फैल रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा मिनी माता रोग, मिनी माता दोस्तों। और क्या होता है, और होता है इटाई। देखिए ये भी रोग है, इटाई है, मिनी माता है दोस्तों। ये कैसे फैलता है, जो देखिए मिनी माता होता है दोस्तों, वो जो पानी के अंदर जो पारा मिला होता है, पारा की मिलावट, जब दोस्तों पानी में पारा मिला होता दोस्तों तब क्या होता है उससे, तब उससे होता है मिनी माता। और जब पानी के दोस्तों अंदर कैडमियम मिला होता है, कैडमियम की मिलावट, कैडमियम दोस्तों मिला होता है जब पानी के अंदर, तो उससे क्या होता है, उससे इटाई दोस्तों होता है। और कभी कभी देखिए पानी जब दूषित रहता है दोस्तों, पानी के दूषित रहने से दो समस्याएं और दोस्तों होती हैं। एक देखिए होती है दोस्तों शारीरिक विकलांगता कहते हैं इसको, शारीरिक विकलांगता और मंद बुद्धि दोस्तों, ये भी हम कहते हैं कि दूषित पानी से ही फैलता है। देखिए शारीरिक विकलांगता कहेंगे, यह भी दोस्तों दूषित पानी से फैलता है, या हम दोस्तों कह सकते हैं कि मिट्टी कि उर्वरता में कमी। आप देख ही सकते हैं जो मिट्टी दोस्तों होती है लवणी जल से, ऐसे पानी से जो मिट्टी होती है वह क्या होती है दोस्तों, वह दूषित हो जाती है। अब देखिए जल का शुद्धिकरण हम कैसे करते हैं दोस्तों, जल का शुद्धिकरण अगर करना हो तो आप कैसे करेंगे जल का शुद्धिकरण? देखिए जल का अगर शुद्धिकरण करना होगा तो सबसे आसान और एक ऐसी विधि जहां तक हम लोग पहुंच पाते हैं, उस विधि को हम क्या कहते हैं, पानी को गर्म करो और शुद्ध कर लो, है ना,
गर्म करो, छान लो, उपयोग कर लो, सही हो गया पानी, ऐसा हम कहते हैं पानी के बारे में। लेकिन दोस्तों वास्तव में क्या ये सही है, कैसे हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं? देखिए ये तो बात सही है, पहला दोस्तों क्या होता है, उबालना, बिल्कुल सही, पहला उबालना होता है। अगर उबाल देते हैं ना तो पानी जो है बहुत ही शुद्ध हो जाता है दोस्तों। फिर देखिए क्या होता है दोस्तों, फिर होता है क्लोरीन का प्रयोग। दोस्तों क्लोरीन के प्रयोग से हम जानते हैं कि पानी को हम शुद्ध कर सकते हैं। दोस्तों फिर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर आप जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के प्रयोग से भी हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें आगे तो दोस्तों आगे फिटकरी, बहुत नॉर्मल सी बात दोस्तों, जो फिटकरी होती है वह भी जीवाणुओं को नीचे की ओर बैठा देती है। तो फिटकरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके माध्यम से भी हम जल को दोस्तों शुद्ध कर सकते हैं। आप देखिए लाल दवा आपने सुना होगा KMnO4, इसको हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। दोस्तों लाल दवा होती है, इसके माध्यम से भी हम जल को शुद्ध करते हैं। लाल दवा दोस्तों इसके माध्यम से भी हम जल को शुद्ध कर देते हैं दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, KMnO4 कहते हैं। दोस्तों याद रखिए आप सभी लोग, ओजोन गैसों के द्वारा भी, ओजोन गैसों के द्वारा दोस्तों क्या होता है, ओजोनिफिकेशन होता है, ओजोनीकरण। तो ओजोनीकरण करके हम जल को शुद्ध कर देते हैं, ये भी आप जानते रहना दोस्तों। एक होता है अल्ट्रा वायलेट के द्वारा, अल्ट्रा वायलेट के द्वारा दोस्तों क्या होता है, जो यहां पर पराबैंगनी किरणें होती हैं दोस्तों, पराबैंगनी किरणों को जब हम आर्क लैंप से, कौन से लैंप से दोस्तों, जब पराबैंगनी किरणों को हम आर्क लैंप से गुजार करके जल पर लाते हैं तो दोस्तों वो जल क्या होता है, जल के अंदर रहने वाले जीवाणु मर जाते हैं और जल क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। इस बात को संज्ञान में रखिएगा आप सभी लोग। अब यहां पर मैं आप सभी से जो आखिरी बातचीत करूंगा वो देखिए क्या होगी, मैंने आपसे पहले भी कहा था ना, आज बहुत कुछ जानेंगे आप लोग दोस्तों। जो मैं बात करूंगा यहां पर अब मैं आप सभी से, वो जल के बारे में ये बात करूंगा कि देखिए दोस्तों जल हम लोग पीते इस समय, इसमें आरओ की बहुत डिमांड चल रही है दोस्तों। आरओ मतलब क्या होता है जानते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस दोस्तों ये होता है दोस्तों। आरओ क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। और दोस्तों जो हम पानी पीते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, कहता है कि पानी का टीडीएस क्या है, तो हम कहते हैं यार टीडीएस क्या होता है भाई, तो वही डॉक्टर दोस्तों कहता है कि टोटल डिसॉल्व सॉलिड, यानी आपके पानी में कितना सॉलिड डिसॉल्व है, कितना घुला हुआ है, उसी को हम टीडीएस कहते हैं दोस्तों। जितना टीडीएस हाई होगा उतना पानी खराब होगा, बहुत ध्यान से देखना, जितना टीडीएस हाई होगा उतना दोस्तों पानी खराब होगा। और पानी में क्या क्या दोस्तों हम जब मापते हैं टीडीएस को, तो हम देखते हैं कि क्या क्या पानी में होना चाहिए दोस्तों, तो हम देखते हैं कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रहे पानी के अंदर, सोडियम रहे पानी के अंदर दोस्तों, पोटेशियम रहे पानी के अंदर दोस्तों, कैल्शियम रहे, क्या रहे और कैल्शियम रहे, क्लोराइड, क्लोराइड रहे पानी के अंदर, क्लोराइड रहे, देखिए क्या क्या रहे, तो मैग्नीशियम रहे, सोडियम रहे, पोटेशियम रहे, कैल्शियम रहे दोस्तों, क्लोराइड रहे, और इसके अलावा सल्फेट और नाइट्रेट, सल्फेट और नाइट्रेट दोस्तों, नाइट्रेट रहे। ये हम देखते हैं कि पानी के अंदर सब रहना चाहिए, लेकिन इसकी मात्रा कितनी होगी ये डिपेंड करता है। देखिए अगर इन सब की मात्रा अधिक होगी तो दोस्तों पानी क्या होगा, पानी दूषित होगा। तो दोस्तों टीडीएस हम देखिए कैसे मापते हैं, देखिए हम टीडीएस कैसे मापते हैं, अभी इसको आप समझेंगे आसानी के साथ। देखिए अगर दोस्तों जो पानी का टीडीएस होगा वो देखिए हम पहली बात तो ऐसे मापेंगे, आप देखेंगे कि मिलीग्राम पर 1 लीटर दोस्तों ऐसे मापते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम कहेंगे कि अगर मान लीजिए पानी का जो टीडीएस दोस्तों है, अगर जो पानी का टीडीएस है दोस्तों 300 से कम अगर है दोस्तों, लेस देन 300, 300 से कम अगर टीडीएस है आपके पानी का, 300 से कम अगर दोस्तों इतना पानी का आपका टीडीएस है तो उसको हम, पानी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको हम कहेंगे एक्सीलेंट, यानी वो पानी बहुत अच्छा है दोस्तों, पानी क्या है वो एक्सीलेंट है। अगर मान लीजिए 300 से लेकर के अगर 500 टीडीएस आपका है, उस पानी को हम गुड कह सकते हैं, चलो भाई अच्छा पानी है, इसको हम पी सकते हैं, ये पानी सही है। और अगर दोस्तों हम कहें
कि टीडीएस 500 से लेकर के या 600 से लेकर दोस्तों 900 रहे, 900 रहे तो क्या होगा, तब भी इस पानी को हम फेयर कह सकते हैं दोस्तों। चलो यार ठीक है, अच्छा है, लेकिन अगर यहां हम देखें टीडीएस 900 से लेकर के 1200 पहुंच गया है तो दोस्तों ये क्या होता है, अगर ये 1200 पहुंच चुका है दोस्तों ये बहुत खराब है। बहुत खराब का मतलब इसको हम कहते हैं पुअर है, ये पुअर है। और अगर टीडीएस आप देखेंगे अगर दोस्तों बिलो 1200 दोस्तों, अगर 1200 से दोस्तों अगर सॉरी अबव 1200 दोस्तों, अगर मान लीजिए 1200 से अधिक है, 1200 से अधिक अबव 1200 अगर अधिक है तो दोस्तों हम कहेंगे क्या होता है, ये अनएक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल यानी ये पानी बिल्कुल आपके लिए नहीं है। अगर ऐसा पानी आप पिएंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी दोस्तों। हो सकता है कुछ पॉइंट आपके यहां पर रह भी गए हो, उन सारे पॉइंट्स को हम प्रश्नों के माध्यम से करा देंगे। उम्मीद है कि आज आपने जितना पढ़ा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जल के बारे में, आपने सब डिस्कस कर लिया, पूरा जल की सर्जरी कर ली आप सभी दोस्तों को। चलिए, और आपको क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको उचित मार्गदर्शन मिले, उचित गाइडेंस मिले, कहीं भटकाव आपका ना हो, न्यूनतम फीस में आप पहले ही प्रयास में सफलता अर्जित कर लें तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। बिल्कुल हम उसी के लिए बने हैं और हमारा बैच बिल्कुल आपके लिए ही है, तो आप देर क्यों कर रहे हैं। अगर आपको हमारे बैच से जुड़ना है तो निसंदेह दोस्तों क्या करना होगा आप सभी को, आपको एंट्री आरओ लिख करके दिए गए इस नंबर पे दोस्तों आपको फोन करना होगा, दिए गए इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना होगा। जैसे ही आप हमें व्हाट्सएप करेंगे तुरंत आपको बैच से संबंधित सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आप जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए, जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।